हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले आप सबको जय श्री राम। क्या हाल चाल आप सबके? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। करते हैं नहीं, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। अभी बात करेंगे घोस्टबस्टर द फ्रोजन एम्पायर, जो कि एक हॉलीवुड की मूवी है। 100 मिलियन के आसपास का इसका बजट है और मूवी ने बताया ही जा रहा है 170 मिलियन के आसपास जो है वो पहले ही कवर कर लिया है, इसको रिकवर कर लिया है। तो इसका मतलब है कि मूवी ऑलरेडी सुपरहिट हो चुकी है। अब 100 मिलियन और 170 मिलियन का कोई भी मेरे को पूछेगा नहीं, कैलकुलेट कर लेना कैलकुलेटर पे जाके या फिर गूगल कर लो। अभी बात करते हैं घोस्टबस्टर्स फ्रोजन एम्पायर की कुछ स्टोरी लाइन के बारे में। तो स्टोरी लाइन का तो देखो मोस्टली क्या सभी लोगों को पता है, अगर आपने इनकी पहली एक दो फिल्में देखी हैं। अगर नहीं देखी है तो मोटा मोटी बात कर लेते हैं। एक टीम है जिसका कि काम है भूतों को पकड़ना, यानी कि जो नेगेटिव सोर्स होते हैं, फिर जो नेगेटिव एनर्जीज होती है उनको ये लोग कंट्रोल करते हैं, वहीं से इनका खर्चा पानी निकलता है। और जब ये भूतों को पकड़ लेते हैं, शाम को हरी प्याज 1 किलो चिकन और 2 किलो टमाटर लेके फिर ये चिकन तंदूरी बना के उसका पेल लेते हैं। अब ये मत बोलना कि उसमें तंदूर में प्याज और टमाटर नहीं लगता है, भाई साहब उनकी जो डिश है वो अलग तरीके की है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो भाई साहब ये एकदम बेस्ट मूवी है। इसका जो VFX है वो काफ़ी अच्छा है, हिंदी डबिंग तो एक नंबर है, क्लासिक है। BGM म्यूजिक काफ़ी अच्छा है, BGM म्यूजिक आपको फील कराता है 90s का वो ऑरा जो कभी कभी आपको लगता है कि आप लोग मिस कर रहे हैं। और सुना है मैंने, मैंने देखा नहीं लेकिन मैंने सुना है कि घोस्टबस्टर करके एक कोई सीरियल भी आता था 90s के टाइम पे, तो उसके बारे में हम और ज़्यादा बात करेंगे कब, जब हम अगली वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर, अगर मेरे को याद रहा तो। लेकिन अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो जो अपनी रशियन मूवी आई है, सॉरी जो अपनी रसलान मूवी आई है, उसके मुकाबले घोस्टबस्टर द फ्रोजन एम्पायर काफ़ी अच्छी मेरे को लगी। तो आप अगर फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो वो आप इसको दे सकते हैं, मतलब चांस दे सकते हो मूवी को अगर आपको देखना है तो। कुछ और मत देने लग जाना अभी के लिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय।